एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं हूँ शाइनी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, फ्लिपकार्ट से मैंने एक ड्रेस खरीदा है, एक वन पीस खरीदा है। सो उसका डिटेल रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करूंगी और मैं अपना ऑनेस्ट ओपिनियन दूंगी कि वो वर्थ बाय है या फिर वो फेल है। सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और अगर आपको ऐसे ही अमेजिंग से अफोर्डेबल वन पीस या ड्रेस जो गुड क्वालिटी है बट अफोर्डेबल है ऐसे पसंद है तो नीचे कमेंट करके जरूर मुझे बताइए और वीडियो को लाइक करना ना भूलेगा। तो चलिए बिल्कुल टाइम वेस्ट के बिना आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो पहले ही बता दूं कि मैंने इस ड्रेस को फ्लिपकार्ट वेबसाइट से खरीदा है, लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। और ये है ब्लू कलर का एक ड्रेस। अगर आप लोग ऑनलाइन साइट्स ज्यादा चेक करते हैं तो आपको ये ड्रेस जरूर दिखेगा, बहुत सारे कलर्स में अवेलेबल है। इसका जो नीचे का पोर्शन है वो फ्लेयर्स में है, इसके ऊपर एक सॉफ्ट, बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल का नेट है और नीचे आपको गार्डन का जो एकदम सॉफ्ट जो एक मटेरियल होता है गार्डन के जैसा, तो वैसे गार्डन का एक मटेरियल है, एक स्कर्ट टाइप्स है। तो इसमें जो फ्लेयर है वो मुझे काफी अच्छा लगता है, काफी सुंदर है, एकदम गर्ली है। और उसके साथ इसे पहनने पर मुझे बिल्कुल भी गर्मी महसूस नहीं होती बिकॉज इसका जो क्वालिटी है, इसका जो मटेरियल है, दैट्स वेरी सॉफ्ट एंड वेरी कंफर्टेबल। उसके साथ इसके जो स्लीव्स है वो बिल्कुल नेट के बने हुए हैं, सो इट्स नॉट लाइक कि एकदम खराब क्वालिटी का नेट। इसका जो नेट है वो काफी सॉफ्ट है एंड वेरी गुड क्वालिटी नेट। और मेरा जो साइज है, साइज चार्ट आपको एक बार देखना है क्योंकि अगर मैं ब्रांडेड प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करती हूँ तो मेरा साइज XS लगता है, लेकिन इसका जो साइज है मुझे M लगा। सो आई थिंक अगर आप लोग ऐसे प्रोडक्ट्स खरीदते हैं तो थोड़ा सा आपके साइज से थोड़ा सा बड़ा साइज आप लीजिए ताकि आप स्टिच भी कर सके अगर वो आपको लूज होता है, लेकिन अगर टाइट हुआ तो कुछ नहीं कर सकते आप। मैंने ब्लू कलर का ड्रेस परचेस किया है और इसका 3/4 स्लीव है और स्लीव पूरा ही नेट का है, स्लीव में कोई पॉली कॉटन मटेरियल नहीं है। नेकलाइन बिल्कुल राउंड शेपेड नेक है और पूरा जो फ्लेयर है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है क्योंकि उसके ऊपर नेट का काम है। सो नेट का जो मटेरियल है वो काफ़ी सॉफ्ट है और उसके नीचे पॉली कॉटन का जो मटेरियल है वो भी काफ़ी सॉफ्ट है और ये नी लेंथ तक आएगा। अगर आप लोग 5'3" है तो आपका नी लेंथ तक ये आएगा। इस ड्रेस को मैंने बहुत बार वॉश किया है फिर भी इसका कलर फेड नहीं होता और इसकी जो वेस्ट रीजन है वहाँ पर एक स्टिच है जहाँ पर आप लोग बेल्ट को अटैच करेंगे। सो उसकी वजह से क्या होता है, वेस्ट रीजन और भी शो अप होता है। तो अगर आपकी पतली कमर है तो ये ड्रेस आपके ऊपर बहुत ही कॉम्प्लीमेंट करेगी। वेस्ट के दोनों साइड पर बेल्ट के लिए लूप है, सो यहाँ पर इजीली बेल्ट अटैच हो सकता है। इसके साथ मुझे एक बेल्ट भी रिसीव हुआ है विच इज दिस वेरी नाइस लाइट ब्राउन कलर। सो इसका जो बेल्ट है वो मुझे अच्छा लगता है बिकॉज इसकी क्वालिटी काफी अच्छी है। इस ड्रेस को परचेज किया हुआ मुझे काफी दिन हो चुके हैं फिर भी इसका जो बेल्ट है या फिर ड्रेस है कुछ भी खराब नहीं हुआ, लगभग मुझे 1 ईयर तो हो ही गया है। सो मुझे लगता है कि ये एक वर्थ बाय है बिकॉज मैं इसे 1 ईयर से इस्तेमाल कर रही हूँ और मुझे ये काफी कंफर्टेबल लगता है फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली इसका जो नेट या फिर ड्रेस क्वालिटी है, मटीरियल है वो बिल्कुल अच्छा है, पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, इसके साथ एक बेल्ट भी रिसीव होता है विच इज ऑफ गुड क्वालिटी बिकॉज आफ्टर यूजिंग फॉर 1 ईयर मुझे ऐसा कुछ नहीं फील हुआ कि बेल्ट खराब हो गया है या फिर ड्रेस खराब हो गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आई थिंक इट्स क्वाइट गुड क्वालिटी प्रोडक्ट क्योंकि इतने कम पैसों में आपको एक अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट मिल रहा है जो दिखने में भी अच्छा है, उसके साथ क्वालिटी वाइज भी बेस्ट है। सो आई थिंक आप लोग अगर परचेस करना चाहते हैं देन गो फॉर इट। आई होप आज का वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल था। अगर ऐसे वीडियोस आपको चाहिए, फैशन, DIY, मेकअप वीडियोस, देन प्लीज नीचे कमेंट करके मुझे बताइए, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। तो चलिए आज के लिए इतना ही। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल एंड बाय बाय।